हेलो गाइस, वेलकम टू ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। गाइस, आज इस ट्यूटोरियल में हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप अपने जो वीडियो है इसको आप कैसे OBS में लगाओगे। जो नॉर्मली हम लोग OBS में अपने माइक सेटअप भी सिखा दिया आपको, अपनी डिस्प्ले से कैप्चर भी सिखा दिया, लेकिन हम लोग जब भी कुछ सोचते हैं कि कुछ रिकॉर्डिंग करेंगे, जैसे हमने फेस के साथ फेस कैम करेंगे और कुछ सिखाएंगे, ट्यूटोरियल मतलब ट्यूटोरियल करेंगे, कुछ सिखाएंगे अपने स्टूडेंट्स को या फिर अपने यूट्यूब चैनल में, तो वहाँ पर क्या होता है गाइज़, आप कुछ बोल रहे हो तो उसको सेम टू सेम टाइम आप उसका वीडियोज़ भी नहीं उतार पाते हो, फिर आपको एडिटिंग करना पड़ता है। लेकिन एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप अपने OBS में ही अपना वीडियो फुटेज भी ऐड कर सकते हो। मतलब जो कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो लाइव, वहाँ पर यहाँ पर आपका जैसे स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, साथ ही साथ आपका वीडियोज़ भी आएगा। बात निकल के यही आता है कि आप अपने कैमरे के फुटेज को कैसे लाइव ऐड करोगे, तो अपने कैमरे को वेबकैम की मदद से कैसे OBS में ऐड करोगे, वही है गाइज़। और यहाँ पर आप इसको नॉर्मली स्ट्रीम पर भी ले जा सकते हो, लाइव स्ट्रीम पर। तो उसके लिए आपको पहले जो करना है, पहली बात आपको मेरा ये वाला वीडियो देखना है कि आप अपने कैमरे को कैसे वेबकैम करोगे, पहले आपको ये जान लेना है। तो आप अपने कैमरे को वेबकैम जब भी सीख जाओगे तो उसके बाद आपको नॉर्मली गूगल में आना है। यहाँ पर आपको OBS लिखना है, और OBS लिखने के बाद गाइज आपको यहाँ पर OBS का एक वेबसाइट मिल जाएगा। और OBS का वेबसाइट जब भी आपको मिल जाता है तभी आपका यहाँ पर OBS का सॉफ्टवेयर भी आ जाता है। यहाँ पर आप विंडोज़ का OBS नॉर्मली डाउनलोड कर लो और फिर उसको इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपका OBS का कुछ इस तरीके से आइकॉन आ जाएगा, आइकॉन को ओपन कर लो और आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आ जाएगा। OBS में हम लोगों ने इससे पहले सीखा था गाइज कि कैसे हम लोग OBS के मदद से स्टार्ट रिकॉर्डिंग या फिर माइक एडिंग ये सब कुछ करेंगे। लेकिन गाइज अभी हम लोग लाइव स्ट्रीम के लिए अपने कैमरे के फुटेज को भी यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो हमको प्लस में जाना है। प्लस में जाने के बाद यहाँ पर गाइज बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन यहाँ पर हमको जाना है विंडो कैप्चर के ऊपर, वीडियो कैप्चर डिवाइस। यहाँ पर जाके मुझे क्रिएट न्यू कैप्चर डिवाइस पे जाके ओके करना है। और यहाँ पर मेरा जो भी कैप्चर डिवाइस है, अभी मुझे मेरा ये जो है डिफ़ॉल्ट में ये कनेक्ट कर लिया US वेबकैम यूटिलिटी। अगर आपके पास दूसरा कुछ है तो आप उसको सिलेक्ट कर लो, अगर आपके पास कैमरा नहीं है, आपके पास वेबकैम ही है, तो आप उसको सिलेक्ट कर लो। फिर आपको इसको जब क्लिक करोगे तो ऐसे गाइज आपका नॉर्मली आ गया है। लेकिन आपको इसे बड़े रखोगे तो आपको कुछ दिक्कत आ सकता है, इसीलिए सबसे अच्छी है कि आप इसको छोटा सा कर लो। कैसे, मैंने इसको छोटा कर दिया। लेकिन इसको क्रॉप कैसे करेंगे उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत बार दिक्कत आता है, कैसे हम लोग करेंगे तो अच्छा आएगा, लेकिन क्रॉप करना सीखना है तो हम बाद में बात करेंगे, अभी उसके लिए बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर इसको ऐड कर दिया। और अभी गाइस आपका जो स्क्रीन में इसका बैकग्राउंड में आपका OBS चला है, मतलब उसका स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, और फोरग्राउंड में आपका नॉर्मली वीडियो फुटेज। अभी आप इसको लाइव स्ट्रीम में ला सकते हो नॉर्मली। और यहाँ पर आप एक और चीज़ कर सकते हो, अभी आप कुछ भी करोगे तो आपको यहाँ पर फुटेज में आपका नॉर्मली वीडियो फुटेज रहेगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मली अपना फोटोशॉप सिखा रहे हो किसी को, कुछ स्टूडेंट्स को कुछ सिखा रहे हो कि ये करो वो करो, तो आपका नॉर्मली बैकग्राउंड में आपका ये सब कुछ आता है। आपका फोटोज़ मतलब जो वीडियोज़ है वो भी यहाँ पर लाइव रिकॉर्ड भी हो जाएगा, तो आप बहुत इजीली ये सब कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने सीखा कि आप अपने कैमरे को वेबकैम की मदद से इस्तेमाल करोगे, वो भी OBS में कैसे, क्योंकि इसके मदद से हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मली वेबकैम करके तो लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते, उसको तो वेबकैम में हम लोग कॉल वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर आपने इसको लाइव स्ट्रीम कैसे करना है वो भी सीख लिया। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट कर बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताओ कि आप OBS में और क्या जानना चाहते हो, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। तो मैं मिलता हूं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। गुड बाय।